हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बना रहा हूँ अक्षरधाम का व्लॉग। तो अभी हम गुड़गांव से चले हैं, बाय मेट्रो हम जाएंगे अक्षरधाम। सो अभी आप देख सकते हो हमने ऑटो यहाँ से लिया है और बाहर का मौसम आप देख सकते हो कितना कूल हो रखा है। अभी यहाँ पे जस्ट अभी बारिश होके हटी है और अभी भी थोड़े थोड़े पानी आपको दिख रहा होगा और मौसम काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। ये मेट्रो स्टेशन के अंदर हमने एंट्री कर ली। सबसे पहले हम यहाँ से टिकट्स लेंगे। तो मेरे पास दो कार्ड हैं और हम तीन लोग हैं, तो मुझे एक क्यूवर टिकट निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्यूवर टिकट निकाल लेता हूँ। क्यूवर टिकट मेरा आ चुका है। तो ये लगभग MG रोड से अक्षरधाम 60 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ से लगता है। तो हमने एंट्री कर ली है और यहाँ पर मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। मेट्रो के अंदर हमने एंट्री कर ली है। तो अभी ये येलो लाइन पे हैं, MG रोड येलो लाइन गुड़गांव से टुवर्ड राजीव चौक। हमें यहाँ पे मेट्रो चेंज करना पड़ेगा जो कि पॉइंट है वहाँ पे। उसके बाद हमने वॉलेट कलर की जो लाइन है उस पे हमें जाना होगा जो कि अक्षरधाम है और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जाती है। मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा देता हूँ कि हम अभी किस लाइन पे हैं। तो यहाँ से येलो लाइन शायद आपको थोड़ी बहुत नज़र आ रही होगी। तो नेक्स्ट स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द नेक्स्ट स्टेशन और अभी हम पहुँच चुके हैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे। तो मैं आपको क्लोज व्यू करके दिखा देता हूँ। येलो लाइन से हम आए हैं जो कि मिलेनियम सिटी सेंटर गुड़गांव की तरफ से, और राजी चौक पे हमने चेंज किया। देन हम अक्षरधाम अभी खड़े हैं। तो मेट्रो से यहाँ पे 200 मीटर के अराउंड ही डिस्टेंस है जो अक्षरधाम मंदिर है। तो अभी हम एग्ज़िट ले रहे हैं यहाँ से। आप बोर्ड भी देख सकते हो, टुवर्ड स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल। तो ये स्वामी नारायण अक्षरधाम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बाहर रोड से पार्किंग का व्यू आप देख सकते हो, कितनी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं, ये सब अक्षरधाम में आई हुई हैं। और सामने आप टेंपल का व्यू भी देख सकते हो, सामने कुछ रेनोवेशन का काम वहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो कुछ क्लिक्स मैं यहाँ ले लेता हूँ और मैं वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के अंदर उनको मैं ऐड जरूर करूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो ये क्लोज शॉट काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो अभी हम यहां पे दूसरे एंगल से कुछ फोटोग्राफी करेंगे और फिर हम जाएंगे मंदिर के अंदर। एक बार फिर मैं आपको व्यू भी दिखा देता हूं। ये है पूरा पार्किंग, कार पार्किंग का व्यू, और सामने है अक्षरधाम मंदिर, यही रास्ता वहाँ पे जाता है। तो अभी हमने गेट के अंदर एंट्री कर ली है। ये है एंट्री गेट और ये फर्स्ट गेट है यहाँ का। अभी हम रास्ते से जा रहे हैं और आई थिंक यहाँ से 5 से 10 मिनट की वॉकिंग है। मंदिर के अंदर हमने एंट्री कर लिया है, बट जो मेन जगह है देखने लायक वहाँ यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है वो। अभी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। अभी हमारी जस्ट चेकिंग हुई है, सब चेकिंग होती है। और ये आप सामने देख रहे होंगे, तो ये सामान यहाँ पे जमा करना पड़ता है। जो भी आपका कुछ भी आइटम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, समथिंग कुछ भी ऐसा हो तो आपको यहाँ पर जमा करना पड़ता है, वो आप अंदर नहीं लेके जा सकते। तो हम भी अपना यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं, उसके बाद हमें भी लाइन में लगना होगा ये सब सामान जमा करने के लिए। और यहाँ पे सामने आप देख सकते हो कि क्या जमा होगा, क्या नहीं, क्या ले जाना अलाउड है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। अभी मैं लाइन में लग चुका हूँ, काफ़ी लंबी लाइन है, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये सब सबको जमा करना पड़ता है। तो मैं लाइन में लगा हूँ, जो भी सामान है मेरा मैंने अलग से निकाल लिया है। सामने मेट्रो आप देख सकते हो, बिल्कुल पास में ही है यहाँ से, वो मेट्रो स्टेशन रहा।
तो ये एक ट्रे मिली है मुझे, जो भी मेरे आइटम्स हैं वो मैंने इसमें निकाल के रख लिए हैं, और सामने एक पर्ची है, इस पे मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है कि मुझे मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या कितनी क्वांटिटी में है। तो ये लाइन है 1, 2, 3, 4 नंबर विंडो नंबर आप देख सकते हो, मैं 7 नंबर की विंडो पे हूँ और मेरा सामान यहीं पे जमा होगा। तो अंदर जाने के लिए मोबाइल तो अलाउड नहीं था, तो अभी मैंने मोबाइल निकाल लिया है बाहर, हम कुछ बाहर का व्यू देख रहे हैं और हमने यहाँ से एग्ज़िट ले लिया है। ये मेट्रो स्टेशन पे हम पहुँच चुके हैं और मेट्रो भी आ चुकी है, अभी हम एंट्री लेंगे। और अभी अराउंड 9 बजे का टाइम हो गया है, काफ़ी लेट हो गया हमें यहाँ पे। सो टेंपल के अंदर हमने काफ़ी इन्जॉय किया, वहाँ पे शोज़ होते हैं, कुछ वीडियोग्राफी होती है, देन बोटिंग होती है अलग अलग, और देन वाटर शो होता है एक। तो इस टाइप के काफ़ी शोज होते हैं, अराउंड 300-350 की रेंज में एक टिकट आती है, सारे कॉम्बो जिसमें पैक होता है, तो वो हमने देखा, काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं रूम पे वापस, तो यहाँ से हमारा मॉर्निंग का कुछ प्लान्स हैं, और ये मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिक्स, आप देख सकते हो जो आप फोटो हमने वहाँ पे की। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।